जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अयोध्या में स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर। काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर है दोस्तों। बात करेंगे हम यहाँ पर कैसे आने की, तो आप ट्रेन से, हवाई जहाज़ से और बस तीनों से यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं दोस्तों। तो इसका नज़दीकी बस स्टैंड अयोध्या है और रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट है दोस्तों। और फ्लाइट की बात करेंगे तो दोस्तों इसका नज़दीकी फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट है। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर गए हैं, अब यहाँ पर हम प्रसाद लेंगे फिर चलेंगे हनुमान गढ़ी जी का दर्शन करने। तो रेट क्या रेट है भैया लड्डू? ये 200 रुपए किलो है, ये 280 या 400 है। अच्छा, ये 280 और 400 रुपए किलो है। और ये बाल्टी का हमने दो पैक ले लिया, एक अपने कैमरामैन के लिए एक अपने लिए। तो भैया की दुकान है श्री बिहारी भोग प्रसाद, जो अयोध्या धाम में है हनुमान गढ़ी के जस्ट पहले ही दोस्तों। तो भैया तो चलिए दोस्त चलते हैं मंदिर, फिर उसके बाद मिलते हैं। ऐसी प्रथा है दोस्तों कि राम मंदिर का दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन यहाँ पर किए जाते हैं। तो हम आ गए हैं हनुमान गढ़ी, यहाँ पर आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, किसी तरह हमने यहाँ पर कैमरा चालू करके आपको दर्शन कराया। प्रसाद चढ़ाकर दोस्तों जब हम बाहर निकले तो यहाँ पर इस मंदिर की खूबसूरती को देखा, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा था दोस्तों। काफ़ी अच्छी नक्काशी हुई है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर। तो आपको भी कभी मौका लगे तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और एक बार दर्शन ज़रूर करें हनुमान गढ़ी का दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम यहाँ पर रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो बजरंगबली जी यहीं पर अपना निवास स्थान बना लिए थे और यहीं पर उनका प्राचीन काल से ये मंदिर है दोस्तों, जो काफ़ी श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है दोस्तों। काफ़ी प्राचीन मंदिर था ये, और अब जबकि यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है तो वो भी काफ़ी भव्य बन रहा है दोस्तों। काफ़ी विश्व के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर आप यहाँ पर दर्शन करें। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप तरह तरह की यहाँ पर दीवारों पे हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी भव्य और यूनिक बना हुआ है ये मंदिर दोस्तों। तो इसी दर्शन के साथ साथ आप हम अब चलेंगे बाहर, तो बाहर का भी नज़ारा हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ पर, और उसी के साथ हम अपनी वीडियो की समाप्ति करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, जय श्री राम।